हेलो गाइज, कैसे हो आप? वेलकम टू दी एपिसोड 5 ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। पिछला 4 वर्ल्ड में हम लोग घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए थे, बार बार मर रहे थे, बार बार रिस्पॉन कर रहे थे, बार बार वर्ल्ड रिस्टार्ट कर रहे थे। इनफैक्ट अभी भी हम अभी रिकॉर्ड करना चाहें तो देखो ये 2 वर्ल्ड और बनाना पड़ा, उसमें भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। घटिया घटिया बायोम स्पॉन मिल रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, अब की बार जो मिलेगा ना उसी को हम ले लेंगे, ठीक है? चाहे अच्छा मिले चाहे खराब मिले, हम उसी को ले लेंगे, ठीक? हाँ, बहुत हो गया नोटेंकी, हो सकता है हमारे किस्मत में कुछ अच्छा लिखा नहीं रहे। हम माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज खेलना चाह रहे हैं लेकिन बार बार घटिया स्पॉन मिल रहा है, तो सर्वाइवल सीरीज क्या क्या, चार सीरीज से यही तो चल रहा है कि बार बार मर रहे हैं, बार बार रिस्पॉन कर रहे हैं, ठीक है? हालांकि ज्ञान की बातें भी हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन खाली यहाँ ज्ञान ही थोड़े रहेगा। वी नीड टू चिल आउट एंड रिलैक्स, ठीक? तो चलो देखते हैं कि नया कौन सा बेटर, उम्मीद करते हैं अच्छा स्पॉन मिलेगा। हाँ, ये थोड़ा सा इज्जतदार स्पॉन लग रहा है मेरे को, लेकिन यार यहाँ थोड़ा सा केव टाइप का होना चाहिए था, क्यों केव टाइप का मिले? वो आई थिंक इट्स अ नाइस स्पॉन। वो क्या विलेज है क्या वो? देखो आप ध्यान से, देखो ध्यान से, विलेज नहीं है तो क्या है वो? क्या छोड़ो, स्पॉन अच्छा है, ठीक है? अभी मेरा हालत थोड़ा सा खस्ता हाल है क्योंकि मैं 2 बजे सुबह से जगा हुआ हूँ और अभी सुबह के 11:54 हो रहा है, ठीक? रात का नींद नहीं आती है, नींद नहीं आ रही थी तो हम सोचे थे कि इंस्टाग्राम चला ले, बस इंस्टाग्राम भी चला करके कुछ खास उखाड़ नहीं पाए और बस ऐसे ही टाइम करते रहता है सुबह शाम दिन रात, बिना नींद का, बिना सुख चैन का, पता नहीं क्या चला गया। जब से साला बड़े हुए तब से साला तकलीफ़ है। छोटे थे तो कितना मस्त था, स्कूल से आते थे खा पी करके सोने चले जाते थे, सो के उठते थे तो खेलने जाते थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, व्हाटएवर। उसके बाद से फिर उधर से आते थे तो जब खेल के आते थे तो बढ़िया हाथ पैर धो करके हम लोग दियावती दिखाते हैं, सांझ सिखाते हैं जैसे लोग होता है ना, तो वो दिखा करके हम लोग सुबह, मतलब कि शाम को बढ़िया अपना पढ़ने बैठ जाते थे, पढ़ के उठते थे, खाना खाते थे, मस्त अपना टीवी देख करके सो जाते थे। कोई फिक्र ही नहीं थी यार कल की, उतना टेंशन नहीं था, कोई झमेला नहीं था। अभी तो साला हम कभी सोने जा रहे हैं कभी उठ रहे हैं, जब से साला बड़े हुए रहे तब से इतना झमेला है ना लाइफ में कि क्या बताएं, मैं खाली तकलीफ़ है। पता नहीं बड़ा क्यों हुए थे, मैं छोटे, हम स्टूडेंट में तो सोचते थे यार बड़े लोग पागल है क्या यार, उनके पास इतना स्ट्रेंथ रहता है, इतनी कैपेबिलिटी रहती है, ये करके वो क्यों नहीं कर लिए होते हैं, लोग पास इतना टाइम रहता है, इतने पैसे रहते हैं। बट यार अब समझ में आ रहा है कि यार नो, इट वॉज नॉट दैट मच सिंपल। बचपन में थे तो लोग बोलते थे कि बड़ा हो जाएगा तो खुशी मिलेगी। बेटा खुशी कहाँ मिल रहा है, हमको नॉर्मल लग जाए वही बहुत बड़ी बात है, समझे? वही चला जा रहा है किसी तरीके से, सुबह से शाम से सुबह झंड जिंदगी है साला, ना सोने में है, ना जगने में है, ना जीने में है, ना मरने में है साला, बस जस्ट ऐसे ही खाली लाइफ कट रही है। अब पता नहीं कब तक कटी है, हर दिन लगता है ना कि आज का दिन तो बेटा कल से बेटर होगा, आज का दिन कल से बेटर होगा। और ऐसे ही करके दिन से हफ्ता हो रहा है, हफ्ता से महीना होता जा रहा है, महीना से तो हमारा साल होता जा रहा, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पा रहे कुछ खास नहीं उखाड़ पा रहे, ठीक है? पता नहीं क्या यार, ऐसा कोई गाइड नहीं है हैप्पीनेस का ना, कि ये करोगे तो खुशी मिल जाएगी, वो करोगे तो खुशी मिल जाएगी। और पता है दिक्कत वाली बात ये है कि मोस्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन अदर्स, ठीक है? आप चाहे जितना भी ज्ञान बांट लो ना कि हम ऐसे करके वैसे कर लेंगे, आई डोंट फ्रीकिंग नीड एनीवन, आई कैन बी हैप्पी ऑन माई ओन, देन यू आर फकिंग रॉन्ग ब्रो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नेवर लाइक दैट, यू विल नीड समवन इन योर लाइफ, राइट? -51, -89 और हमारी काफ़ी घंटा नहीं ठीक हुई है, 4-5 दिन हो गया है। हालांकि हम दवाई भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेरे को दर्द अच्छा लगता है। आई एम मैसोचिस्ट। देखो 2 वर्ड होता है, मैसोचिस्ट होता है, सैडिस्ट होता है। सैडिस्ट उस आदमी को कहते हैं ना जो दूसरों का दर्द को देख करके जिसको मज़ा आया, अच्छा लगे, ठीक है, उसको कहते हैं सैडिस्ट। और जो मैसोचिस्ट होते हैं ना उनको खुद को दर्द चोट पहुँचाने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक? तो ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस ना भूलिएगा, ठीक? कई कई लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, कई कई लोग सैडिस्ट को मैसोचिस्ट की तरह यूज करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप गलत समझ रहे हो, आप गलत पढ़ रहे हो, ठीक है? तो यार थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बांट दिया करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, बार बार रिस्टार्ट कर रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार रिस्टार्ट कर रहे हैं, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अनोइंग। वो देखो मॉब है उधर, क्रीपर है और स्केलेटन है, मियाँ बीवी की तरह खड़े हैं सारे, ठीक है? तो भाई अपना खुदाई उदाई शुरू करते हैं, ठीक है? ज़िंदगी भी तो खुदाई और उससे शुरू होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या है यार, ये कोयला है, कोयला छोड़ने मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन छोड़ना पड़ेगा,
कोयला ले लेते हैं, कुछ आयरन ले लेते हैं और हम यहीं पे विलेज बनाएंगे। विलेज ढूंढने कहीं जाने नहीं वाले, ठीक है। मेरे को लगा था वहाँ पे विलेज होगा, लेकिन वहाँ पे कोई विलेज विलेज है नहीं, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे नहीं फिलहाल के लिए। हम कोशिश करेंगे इस गेम प्ले में डेथ कम हो, क्योंकि जितना बार डेथ होगा ना उतना बार मेरे को थोड़ा सा शायद हम उसमें शायद हम कुछ ऐसा बनाया है कि डेथ काउंटर जैसा कुछ बनाया है कि हम यहाँ पे डेथ काउंटर जैसा बनाए कि भैया इतना बार डेथ हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, बट हमको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपर वो चाहिए, क्या कहते हैं पता है, एक फनी बात बताया, हमने आज तक कभी भी नेदरराइट स्कोर नहीं बनाया, नेदरराइट का कोई भी आर्मर नहीं बनाया, आई मीन या नॉट लीगली। मेरे पास पेशेंस ही नहीं है यार, किसके पास इतना पेशेंस होता है, तुम्हारे पास है पेशेंस, किसी के पास मतलब लोग जनरली होता है, लेकिन मेरे पास उतना पेशेंस है नहीं। हम पता है भाई, हम खतरों के खिलाड़ी, मेरे को खतरे लेना ज़्यादा पसंद है। सो या आई नेवर मेड एनी नेदरराइट टूल एवर, सो इस सीरीज में अटेम्प्ट होगा कि वो ही हम लोग बनाएं। तो चलो, हम लोग का कॉबल स्टोन भी हो ही गया, क्यों कॉबल स्टोन हो गया हम लोग का, ये हो गया है, और चलते फिर देखते हैं कुछ है कि नहीं। -52, -49 दिखाना, ठीक। उसके बाद से हम लोग पास क्या था, ग्रेवल भी आ गया था, ठीक। यहाँ पे मेरे ख्याल से आयरन वायरन मिलना चाहिए, क्यों यहाँ आयरन नहीं मिलेगा तो कहाँ आयरन मिलेगा जी। ओ देखो उड़ता हुआ, पता यही वर्ल्ड टाइप एम्पलीफाइड का फ़ायदा होता है कि आपको मस्त सीनरी देखने में मिलता है, मज़ेदार सीनरी। ये क्या है, मेरे को विलेज ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है, वाई डू आई फील लाइक यहाँ पर कोई विलेज है। मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे, भागो। हमको लगा हम भाग जाएंगे, भाग साला अब तुमसे तो रिस्क नहीं लेंगे हम। देखो बैठना, मरेगा तो कम से कम नहीं मरेगा ना। कहाँ गया, रिस्पॉन डिस्पॉन कौन पॉन कर गया भैया, चला गया। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से जगह ठीक ठाक है, अब यहीं पर बनाते हैं अपना विलेज विलेज। अगर जो विलेज नहीं रहता ना तो हम वो बनाते, क्या कहते हैं, आओ चलो आड़ा वाड़ा बनाते हैं, आड़ा वाड़ा बनाते हैं। और मेरा पता है कि ये टारगेट रहता है ना कि हम ऊपर में कुछ चीज़ें बनाएं, मतलब कि हम ऐसे आदमी नहीं है कि थोड़ा सा नॉर्मल गेम प्ले मेरा करने का कुछ खास मूड है भी नहीं, ठीक। आई वॉन्ट टू मेक समथिंग, आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग अलग, समझे। तो अभी इसको क्या बोलते हैं, उसको पका लेते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग पका लेते हैं। उसके बाद से अरे ठीक है, इतना गरीब विलेज क्यों है यार, बाकी सारे लोग कहाँ, सिर्फ एक ही है, वो भी दो बच्चे हैं खाली। अरे ये देखो वो देखो क्या हो रहा है, क्या बवाल हो रहा है यहाँ पे। अच्छा यही है। अच्छा कुक्ड रोटन फ्लेश क्यों नहीं मिलता है, माइनक्राफ्ट वाले को हम लोग ये शिकायत करनी होगी कि आप लोग हम लोगों को कुक्ड रोटन फ्लेश क्यों नहीं देते हो। सुनो देखो यहाँ पे भी विलेज है, मेरे ख्याल से विलेज छिदरा है, वो आधा विलेज इधर है, उधर विलेज है, इधर विलेज है, तो ये शायद बाहर का है, ठीक है। तो हम लोग को अपने विलेजेस को सिक्योर करना पड़ेगा। यार मेरे को थोड़ा खाना चाहिए ना, खाना के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा खाना ले लिया जाता है, उसके बाद से हम लोग टूल्स वूल्स लेंगे। टूल्स लेने के बाद हम लोग आगे चीज़ें बनाएंगे कि देखते हैं कैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद से पता है शायद हम ऊपर में कुछ बनाए, मेरे को थोड़ा सा कुछ मल्टी लेवल टाइप का कुछ एकदम साईफाई स्ट्रक्चर बनाना है मेरे को, बस खाली ऐसा नहीं बनना है कि चीज़ें जस्ट नॉर्मल है, बस नॉर्मल चली जा रही हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग बिग एंड समथिंग इंटरेस्टिंग, नॉट लाइक कि हाँ भैया बस बना लिए हो किसी तरीके से वो नॉर्मल घर, ठीक। घर पता है मेरे को उतना वो सब चीज़ें तो नहीं आती हैं कि बहुत ज़्यादा हाईफाई चीज़ें बना लें, बट मन में एक टारगेट ये है ना कि इतना क्यों हमने इकट्ठा किया गया, हम लोग को वो बनाना होगा, क्या कहते हैं, कॉबल स्टोन चाहिए ना, कॉबल स्टोन तो लगेगा यार, इसमें क्या खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये क्या फर्न साइड, ये कौन है यार, ये बड़ा मेरे सामने हुआ है क्यों, मेरे सामने बड़ा हुआ है, ठीक है। सुनो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको यहाँ पे
अच्छा कुकड बेरी जैसा कुछ होता है क्या यहाँ पे? अरे होता है क्या स्वीट बेरी? कुकड बेरी जैसा होता है पता है, कोई गेम है हमको याद नहीं आ रहा है कि हम लोग कुकड बेरी जैसा कुछ था उसमें बेरी को भूंज ले। अच्छा हाँ याद आ गया, डोंट स्टार्व टुगेदर करके एक गेम है, थोड़ा सा हॉरर थीम का गेम है डोंट स्टार्व टुगेदर। वो 2D गेम है। तो काइंड ऑफ लाइक टेरेरिया, जैसे हम भी टेरेरिया के फैन हैं, हम टेरेरिया बहुत खेले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कुछ कोई गेम खेले हैं तो माइनक्राफ्ट है, माइनक्राफ्ट के बाद से टेरेरिया है। सो हम चलते अभी उस साइड चलते हैं। देखो इधर देखो हार्ड, पता है हार्ड मोड का ही पता है, हार्ड में मज़ा नहीं आ रहा है यार। हार्ड पता है स्पैम कर देते हैं ये लोग, मॉब्स को ना स्पैम कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हम हार्ड में नहीं खेलते हैं। मतलब ये क्या मतलब हुआ भाई, मतलब हार्ड है हार्ड है, ये लोग ना मॉब्स को एकदम स्पैम कर देते हैं, विच आई डोंट लाइक। सो चल जा, आ जा मेरे पास। ठीक है चलो, एक आयरन तो मिल गया। अब इसे एक आयरन से मैं क्या करेगा पता है, मैं जाएगा सोने के लिए। ये देखो हट बे, यू मे नॉट रेस्ट नाउ, देयर आर मॉन्स्टर्स नियर बाय। हटो, ओके मॉन्स्टर्स है नियर बाय। अब हम सोएंगे कैसे भैया, हम बड़वे लेके भाग जाएंगे। अभी देखना साला गेट खुलेगा। ए हटो भैया हटो, एक्सक्यूज मी। देखा, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर अल्टीमेट सॉल्यूशन। साले सोने नहीं देते। वीक अटैक क्यों करता है यार? हमने बोला है कि हम वीक अटैक कर रहे हो तो ये तुम मेरे अटैक को वीक मान रहे हो? जब हम बोले हैं कि मेरा अटैक वीक है तब मेरे अटैक को तुम वीक बोल मानना, जब हम बोलेंगे नहीं तो मेरा अटैक को वीक नहीं मानना चाहिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। सर अभी पता है क्या टारगेट क्या है ना, अभी हम लोग ना हमको थोड़ा सा कॉबल स्टोन चाहिए। खाना का अपना जुगाड़ ये होता रहा है, बीसी ऊपर में हम लोग शिफ्ट करेंगे। खाना का अपना कंटिन्यू सप्लाई होगा। फिलहाल के लिए टारगेट ये है ना कि ऊपर में एक स्टेयर केस बनाते हैं। ठीक, स्टेयर केस बना करके ये मतलब ठीक है, अगर जो हिली बायोम रहता तो और भी मज़ा आता है, लेकिन कोई बात नहीं ऐसे भी सही है, इट्स नॉट दैट मच बैड। एक हिली बायोम तो था तो, लेकिन वहाँ पे आसपास पेड़ ही नहीं था। ठीक है, सो या इट्स काइंड ऑफ लाइक आई कैन वर्क विद इट। ठीक, ओके तो सुनो, यहीं पे हम लोग बनाते हैं अपना एक बायोम बनाते हैं। और उस बायोम में क्या होगा ना कि हम लोग यहाँ से एक पहले बात तो एक वो बनाते हैं, क्या स्टोन कटर फलाना दिखाना क्या बोलते हैं उसका। अब देखो ये देखो वो करने वाले आ गए। ठीक, मेरे जॉम्बीज खतरे में ना हो, इस मेरे जॉम्बी नहीं, मेरे विलेजर्स खतरे में ना हो जॉम्बीज, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं। ये क्या है ऐसे करने से क्या मिलता है? अच्छा पहले उन लोगों का वो था ना। ठीक है चलो फिर बनाते हैं हम लोग वो बनाते हैं, क्या कहते हैं स्टोन कटर बनाओ यार, क्या बोलते हैं इसको, क्या यार स्टोन कटर, कटर कॉबल स्टोन वॉल नहीं, कटर ग्रिंडर क्या कहते हैं इसको यार, याद भी नहीं आ रहा है। स्विंग ऑल सो क्राफ्टेबल, स्विंग ऑल ग्रिंडर, एक पता है टूल्स होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और कोई यहाँ आ गया ये क्राफ्टिंग, ये पता हाँ मेरे ख्याल से उसके लिए आयरन लगता है, आयरन वगैरह नहीं है नहीं हम लोग पास, तो काम को तो चलेगा। रुको एक मिनट रुको, हाँ तो उसके लिए हमने सुना है कि आयरन वायरन लगता है, वायरन वायरन मेरे पास एक ही है, हमको ज़्यादा उसको करना नहीं है, जो है जैसे बना है बना है उसको। ठीक है मेरे ख्याल से बेटर तो अगर जो होगा कि नेदरराइट वो मिल जाए यार। ये लोग क्यों मेरे हट साले हट यहाँ से, यही है देख रहे हो, ये देखो समुद्र की गहराइयों में गोता लगाते हैं, अब हमको ऊपर निकल के जाते हैं। ठीक है हाँ तो अभी चलते हैं हम लोग वो बनाते हैं क्या कहते हैं, चलते हैं वो लोग बनाते हैं क्या कहते हैं, ऊपर में हम लोग वो बनाएंगे स्टेयर केस जैसा बनाना है ताकि ऊपर में हम लोग जा सके आराम से। वैसे कहाँ बनाया जाए, मेरे ख्याल से यहाँ बेटर होगा, क्यों यहीं से ऊपर चलते हैं वहाँ पे और ऊपर चला जाएगा। ठीक, बनाते ऊपर चला जाएगा, हमको यहाँ ज़मीन पर नहीं रहना। ठीक है, लोअर लेवल ज़मीन से जुड़े हुए आदमी नहीं है हम, ऊँचे ख्यालात वाले हैं। ठीक है तो स्प्रूस स्टेयर्स, ठीक है एक मिनट को ऐसे बनाएंगे। ठीक, ये सलाम
पता है इस कारण ये भी था मेरे को ना, खेलने का मतलब ये था कि थोड़ा अजीब क्या नोटंकी हो रहा है असल में सुना कि इसके पता ये लगाना पड़ता है, शायद ये लगाओ के फिर ये लगाओगे, पता नहीं शायद ऐसा ही कुछ है। क्यों? क्योंकि जब तक ये लगेगा नहीं तो इसके ऊपर आया कैसे सकता है। हमको लगा कि कुछ ऐसा माइनक्राफ्ट वालों ने कुछ ऐसा सिस्टम रखा होगा, बट ऐसा नहीं है। लेबड़ा ठीक है, आ जाओ। ठीक, खाना का कहाँ तक जुगाड़ है ना? खाना हमारे पास ज़्यादा है नहीं, लेकिन काम चल जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं है, बस कल यहाँ पे आग ना लग जाए यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को। आग ले जाएगा, सीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो या आई थिंक ऐसे ऊपर चढ़ सकते हैं। क्यों? और कोई तरीका नहीं है कैसे? बेटर तरीका बताया क्या होता है? नेदर वो होता है, क्या कहते हैं, सोल सैंड होता है। लेकिन सोल सैंड के लिए हम लोगों को वो चाहिए, आयरन चाहिए और लावा चाहिए। लावा हम लोगों को कहीं मिल नहीं रहा है। कहीं था लावा के आसपास? कहाँ लावा था आसपास? कहीं लावा था नहीं। लावा पता नहीं कहाँ ढूंढने जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड, फिर वहाँ से वो लाना पड़ेगा, फिर ये वो। और पता है वैसे भी हम लोग को बार बार वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगली भी लगेगा वो, पता है। लेकिन अगर जो तुम सोल सैंड से अगर जो अपलिफ्ट कर रहे हो, जैसे सोल सैंड में नहीं होता, पानी पानी डाल दो सोल सैंड के ऊपर, तो आप मतलब उसमें से उसमें अगर जो आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप उसमें ऊपर उठने लगोगे। तो वो हो तो सकता है, लेकिन मतलब ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगा। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, स्टेयरवे टू हेवन, देख रहे हो? मस्त लग रहा है, आई लाइक इट। ठीक, खाना पका लेते हैं। खाना यार बस कल एक ही है। ठीक है, और ज़्यादा खाना है नहीं ना हम लोग पास, चलो कोई बात नहीं। यार थोड़ा सा और बनाओ ना, 28 हो गया, गुड। आई थिंक इतना भी मतलब इस ऊपर पहुंच जाएंगे। क्यों ऊपर पहुंच जाएंगे? मतलब मरना नहीं। अभी अच्छा, अभी तक हम लोग एक बार भी नहीं मरे हैं ना, चलो अच्छी बात है। मतलब जनरली हम लोग कितना बार मर जाते हैं। ठीक, तो अभी तक एक बार भी नहीं मरे। और यार टारगेट है कि चलो आप यहाँ पे ऊपर में एक बेस बनाते हैं अपना, और बेस बनाने के साथ ही हम लोग पता है सबसे पहले शुरू करेंगे अपना फार्मिंग। फार्मिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो फार्मिंग नहीं करेंगे तो काम आगे नहीं होगा भैया, काम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली पता है ये एक टारगेट ये भी था ना कि खेलेंगे, क्योंकि ये जो सर्वाइवल सीरीज होता है ना, सर्वाइवल सीरीज में आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। आप सारी चीज़ें करते हो, आप स्पीड रन कर लोगे, बहुत सारी चीज़ों को टच भी नहीं करोगे। आपको डायमंड ना मिले तो भी आपका स्पीड रन कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉरी अगर जो आपको ना अगर जो आपको ये क्या कहते हैं, अगर जो आप ये कर रहे हो सर्वाइवल सीरीज खेल रहे हो, और सर्वाइवल सीरीज में अगर जो आपको वो ना मिले क्या कहते हैं, तो बेकार ही है। अगर जो आपको डायमंड ना मिले सर्वाइवल सीरीज में और आपने सर्वाइवल सीरीज कंप्लीट कर ली, तो समझो बेकार ही है। हमको समझ में नहीं आता कि सर्वाइवल सीरीज को कम्प्लीट कब माना जाएगा, लेकिन चलो अभी पता है इसमें इस गेम प्ले में बहुत सारे ज्ञान की बातें किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करी जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना जान लो कि हम लोग का टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अचीव करना, और थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगाना। थोड़ा सा पता है मेरा एक टारगेट ये होता है ना कि जो चीज़ें होती हैं ना थोड़ा सुंदर लगे, ऐसे पूरा ऊंचाई पे जाएं, फिर ऐसे निचाई पे जाएं, फिर ऐसे रिस्क हो, फिर एक डेंजर जोन हो, फिर उधर से लावा गिर रहा हो, फिर ऐसे ऐसे जा रहे हो, मतलब बरसात और साथ हो रहा। आई रियली वॉन्ट ब्यूटी, रियली लाइफ में ब्यूटी की ज़रूरत है, हमको भी ब्यूटी की ज़रूरत है। पैसे आएंगे ना यूट्यूब वीडियो से, पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाएंगे। एक्चुअली मेरा सर्दी गया नहीं, मजाक कर रहे हैं। ठीक, हाँ क्या बोले थे, एक्चुअली मेरा सर्दी अभी तक गया नहीं है। देखो मेरे ख्याल से इतना हाइट ठीक है। क्यों इतना हाइट ठीक है? इतना हाइट पे हम लोग स्लैब लैब बना लेते हैं। लकड़ी कब नहीं बनाएंगे? ठीक है, लकड़ी में सुना है हमने आग उग लग जाती है तो झमेला हो जाता है साला। ठीक है, तो लकड़ी का मेरा अभी कुछ खास बनाने का मन नहीं है फिलहाल के लिए। तो चलो अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही बनाते हैं। ठीक, मेरा टारगेट ये है ना कि जितने भी विलेजेस हैं ना, सारा विलेजेस को एक जगह ट्रैप कर ले। लेकिन उस सब के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा मटेरियल वटेरियल लगेगा, जो मटेरियल वटेरियल फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास नहीं है। तो चलते हैं अभी अंडरग्राउंड। अभी हमको पता है बेसिकली क्या चाहिए, खाना चाहिए और डर्ट चाहिए। ठीक है, फ़िलहाल के लिए बेसिकली हमको दो ही चीज़ चाहिए, खाना चाहिए और इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए। नहीं पैसे हैं लेकिन दवाई मिल नहीं रही है। और
गंदे आग जला देता है मेरे को। ठीक है, हमको लगा टच्चर 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 ये क्या कर रहा है भाई। हमको लगा बेरी बुश में आकर, जैसे बेरी बुश होता है ना, बेरी बुश में आपको मिलता है ना, क्या कहते हैं। ओके सुनो, तो फिलहाल के लिए चलो खाना वाना ले लेते हैं, देखते हैं खाना वाना कैसा है। वीट वीट है ना, वीट वीट है। ठीक है, पता है फार्मिंग टेक्निक सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। देखो कुछ है ही नहीं, सीडी प्लेस। ठीक है, ये लोग गरीब है, फकीर लोग यार, इन लोग पास कुछ खाना बनाने के लिए ये नहीं है। देख रहे हो क्या है इसमें, हम क्या कर लेंगे, वीट खाएंगे क्या, भैंस है क्या, वीट खाएंगे। ज़्यादा मिलता तो ब्रेड और बनाते, इसे क्या कर लेंगे हम, कुछ नहीं होगा इसे। ठीक है, तो क्या करने वाले थे हम लोग को, डर्ट चाहिए था ना, और खाना भी चाहिए था, खाना हम लोग पास ज़्यादा है नहीं, तो कोशिश करेंगे हम लोग डैमेज ना ले, क्योंकि डैमेज लेने से ना भूख ज़्यादा लग जाती है। एक बार बनाओ और एक बार और बनाते हैं। ठीक, चलते थोड़ा डर्ट उट लेकर के आते हैं, डर्ट उट का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डर्ट रहेगा तो ही हम लोग आगे अपना बेस बना पाएंगे। वहाँ पे पता है वो सब पहले गाय हुई को लेकर जाया जाएगा, फिर वहाँ पे फार्म और बनाया जाएगा, फार्म और बनाने के बाद से वो करेंगे, क्या कहते हैं, थोड़ा सा खाना का अपना कॉन्स्टेंट सप्लाई होगा। जब खाना का कॉन्स्टेंट सप्लाई होगा तो उसके बाद से विलेजर्स को लाया जाएगा और फिर काम अपना आगे बढ़ाया जाएगा। देखते हैं कब तक ये चल पाता है। हार्डकोर इसलिए नहीं कर ले क्योंकि हार्डकोर यार एक बार भी मर जाएगा ना तो सारा प्रोग्रेस रीसेट हो जाएगा, और अभी हमको एक बार भी इंडर ड्रैगन को हमने ना इसमें नहीं हराया, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइवल में, मतलब स्पीड रन में तो हरा ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्पीड रन किए हुए हमको बहुत टाइम हो गया। ठीक, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार, ड्रैगन पर्ची नहीं कर रहा होता था, हम ड्रैगन पर्ची नहीं करेगा तो फिर क्या हम इसमें, पता है स्पीड रन करने में मेरे लिए सबसे बड़ा झमेला क्या होता था, पता है स्पीड रन करने में मेरे लिए सबसे बड़ा झमेला होता था कि वो नहीं होता था, क्या कहते हैं, सलाह नेदर फोर्टेस से नहीं मिलता था। हम ढूंढ रहे हैं नेदर फोर्टेस कहाँ है, नेदर फोर्टेस कहाँ है, नेदर फोर्टेस से नहीं मिलता था सलाह। तो बोले सलाह बात नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें, आप हटो एक मिनट, क्या कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या है, ये क्या है, 50,118। ठीक, हाँ, तो जब हमको नेदर फोर्टेस से नहीं मिलता था तो मेरा मूड ख़राब हो जाता था कि यार बताओ इतना भाग दौड़ करें। बढ़िया, पता है जैसे स्पॉन करते थे तो तुरंत जा करके वो लेते थे, आयरन लेते थे बढ़िया, तुरंत समुद्र में जा करके, पानी में जाके, फिर जैसे भी हो अपना आयरन वायरन लेते थे, हम अपना काम आगे बढ़ाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता था ना कि हमको वही नहीं मिलता था, क्या कहते हैं, नेदर फोर्टेस से नहीं मिल रहा है, जब नेदर में जाए तो नेदर फोर्टेस से नहीं मिल रहा है, जब बेस्टर मिल रहा है तो वही नहीं मिल रहा है। अब देखो 1.16.1 तक आपको नेदर फोर्टेस लोकेट करना आसान था, ठीक है, आप मतलब आराम से करीब, अगर जो अच्छा प्लेयर हो तो आप आधा घंटा में फिनिश कर सकते हो स्पीड रन करके। लेकिन 1.16.1 के बाद से ना बहुत सारी चीज़ें ना माइनक्राफ्ट में ना मोजैंग ने बदल दिया, मोएंग क्या बोलते हो साले, गधों ने बदल दिया, तो उसके बाद से पता है स्पीड रन करना थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, इसलिए देखना 1.19.3 का जो है अभी, तो अभी हम लोग का जो करंट जो वर्जन खेल रहे हैं इसमें पता है माइनक्राफ्ट का स्पीड रन का उतना सारा स्पीड रन लोग करते नहीं है, उतना सारा इसमें वीडियो आया नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है ना कि और कि आपको अगर जो सबसे लेटेस्ट वर्जन में माइनक्राफ्ट स्पीड रन करना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको, अगर जो आप ये सोच रहे हो कि आप उसको जल्दी से फिनिश कर लो, क्योंकि जल्दी से पहले जैसा फिनिश जैसा नहीं हुआ, लोग पहले पता है 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर सलाह नेदर में पहुंच जाते थे अपना काम करने के लिए। तो यार दैट वाज काइंड ऑफ लाइक एक्साइटिंग एंड ऑल दैट, बट अभी चीज़ें बदल चुकी हैं। अभी तो क्या हो गया कि 1.19.3 में अगर स्पीड रन करने गए तो पता चलेगा आपको कि 1 घंटा हो गया अभी तक आप ढूंढ रहे हो नेदर फोर्ट्रेस क्या है। मतलब बेसिकली जनरली लोग साथ ये होता है, कुछ कुछ एक्सपर्ट प्लेयर होते हैं पता नहीं कैसे कर लेते हैं, हालांकि हमने तो सारा चीज़ देखा था। जैसे यहाँ पर F3 मेन्यू है तो F3 में एक शिफ्ट प्लस F3 आती है आपकी, ये देखिएगा पाई चार्ट, हमने पाई चार्ट सीखी थी, इसमें ये बता रहा है जैसे कि जैसे ये टिक होता है, टिक लेवल ब्लॉक एंटिटी, ऐसे करके आप ना लोकेट करोगे नेदर फोर्ट्रेस एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो सभी हमने सीखा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादातर, क्योंकि बार बार आपको गेम को रीस्टार्ट करना पड़ता था। जैसे कि आप चले गए, सुनो आपको चंक अपडेट के लिए ना बार बार गेम को स्टार्ट करना पड़ता, और मेरे को पता वो सब चीज़ बेकार लगा, मतलब यार गेम का फ्लो रोक दे रहा है। आप स्पीड रन कर रहे हो कि पैंतरा कर रहे हो कि बार बार इसको गेम को रीस्टार्ट कर रहे हो, गेम को ऐसे कर रहे हो, गेम को वैसे कर रहे हो, तो इसीलिए हमने बोला कि यार छोड़ो यार चलते हैं सर्वाइवल खेलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड रन नहीं करेंगे, स्पीड रन मेरा अपना फ्यूचर में है, अपना प्लान, एंड आई एम गोना स्पीड रन लेटर इन द फ्यूचर। राइट नाउ आई एम जस्ट रिलैक्सिंग एंड जस्ट एंजॉइंग, एंड इट इज़ वन ऑफ द माय मोस्ट फेवरेट टाइम ऑफ द डे, लाइक आई रियली कीप ऑन एंजॉइंग दिस एंड प्लेइंग दिस थिंग। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू थोड़ा सा मतलब
ज्ञान की भी बातें करनी थी, लेकिन मेरा कुछ दिमाग थोड़ा सा सड़केला है। ठीक है यार, नींद नहीं आती रात भर, हम क्या करें यार। चार पता है पिछला 4-5 दिन से ना हम भरपेट खाए नहीं है, हमको रोटी खाए हुए पता है, हमको रोटी खाए हुए एक हफ्ता से भी ऊपर हो गया। कहाँ हम हर दूसरे तीसरे दिन एक्सरसाइज करते थे, कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, और मेरे को भूख भी नहीं आ रही उतनी, नींद भी नहीं आ रही है, गजब हाल हो गया है साला। और कुछ कर भी नहीं पा रहे, पता है मेरे अपने लाइफ के कितने सारे रूल्स हैं कि भैया अगर जो तुमको नींद नहीं आ रही है तुम जा करके वो कर लो, क्या कहते हैं, कुछ प्राणायाम टाइप का कुछ कर लो वगैरह वगैरह, हम कितना सारा चीज़ होती हैं, लेकिन वो सब भी नहीं हो रहा हमसे, कहाँ कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बस खाली बकलोलो की तरह बस इधर उधर घूम रहे हैं, काम चल रहा है किसी तरीके से, बस वही है। तो या दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक कंसर्निंग फॉर मी, इट्स नॉट लाइक कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बट स्टिल हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ठीक है, तो या लाइफ में तकलीफ आएंगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा, बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग राइट, तुमको आगे बढ़ते रहना होगा, तुमको मेहनत करते रहना होगा। सो आई एम इन काइंड ऑफ केम करता विभूढ़ता वाली स्थिति है, बट समडे आई विल बी फाइन, देख लेना एक दिन चीज़ें इंप्रूव करेंगी और आगे बढ़ेंगे। ठीक, प्रॉब्लम ये हुआ ना कि आई वॉज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स टू फील बेटर। ठीक है, जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हो बेटर फील करने के लिए, तो या आपकी खुशियों की लंका लग जाएगी। हमारी खुशियों की लंका लग गई, लंका। ओके हाँ, तो सुनो, हम लोग अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट पहले बना लेते हैं, यहाँ पर अपना एक छोटा सा एक बेस बना लेंगे। ठीक, बेस क्या बनाएंगे, बस खाली ऐसे ही हो जाएगा कि एक वो बना लेंगे। ठीक, कुछ भी बनाते जाओ, कौन देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक। अभी पता है मेरा टारगेट क्या था, कि हम यहाँ पे वाइल्ड स्केल खेती करना चाह रहे थे। वाइल्ड स्केल खेती के लिए हम लोग को आयरन चाहिए, पानी चाहिए, फलाना दिखाना सब कुछ चाहिए। ठीक है, और वो सब तो फिलहाल के लिए है नहीं हम लोगों के पास, तो वाइल्ड स्केल खेती कैसे होगी भैया। तो ऐसा करते हैं ना कि हम लोग देखो आयरन गोलेम आ गया, यही तो मेरा आयरन का ठिकाना है, आयरन का ठिकाना है इसी, ये आयरन गोलेम नहीं है मेरा लिए, ये चलता फिरता बकेट है। ठीक है, साला जब हंसते हैं ना तो खांसी बोलती है कि अबे साले हम अभी यहीं पे हैं तुम हंसेगा, तो खांसी हमको हंसने नहीं दे रही है, बट आई विल स्टिल ट्राई टू लाफ राइट। तो अभी के लिए अभी के एपिसोड में हम लोगों ने क्या किया, अच्छा वहाँ हम लोग को आयरन दिख रहा है ना, तो चलो अगले एपिसोड में हम लोग ने बताया वहाँ से हम लोग ना आयरन वायरन ले आएंगे। और यार आयरन गोलेम को मार के रहने दे, तुम बताओ ये। यहाँ पे हम लोग बताए विलेजेस को लाना होगा, लेकिन उसके लिए हमको खुद सा पता है आयरन का हम लोग को मास प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, मास प्रोडक्शन चाहिए आयरन का, एक विलेज फार्म बनाना पड़ेगा। दुनिया भर की चीज़ें मतलब करने के लिए इन्फिनिट चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर जो कोई सजेशन होगा आपके लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे आपके नाम का एक यहाँ पे वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, बोर्ड बनाएंगे, वहाँ पे लिख देंगे सजेस्टेड बाय दिस पर्सन एंड दैट पर्सन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर जो कोई आपके पास सुझाव होगा तो। हालाँकि ये चीज़ें, ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज होनी थी एजुकेशनल प्लस है एंटरटेनमेंट, तो अभी एंटरटेनमेंट के बार बार हमको रीस्टार्ट ही करना पड़ रहा है, तो खाएगा एंटरटेनमेंट। ये देखो खाना ही मेरा कम होता जा रहा है। ठीक, मेरे ख्याल से पता है अभी हम लोग को वही लाना होगा, क्या कहते हैं, आयरन लाना होगा। आयरन लाने के बाद से फिर यहाँ पे हम लोग को अपना फार्म बनाना होगा। फार्म बनाने के बाद से एक खाना का मतलब कि एक कांस्टेंट जुगाड़ रखना पड़ेगा, उसके बाद से जो खाने का जुगाड़ इधर नॉनवेज चलेगा, तो नॉनवेज खाने का जुगाड़ इधर करना पड़ेगा, उसके बाद से फिर क्यों चीज़ें हो पाएगी, क्योंकि खाना यार कॉन्स्टेंटली ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। ऊपर से ये हार्ड डिफिकल्टी है, तो हार्ड डिफिकल्टी में पता है हंगर रेट जल्दी डिप्लीट होता है, डिप्लीट मतलब होता है खाली होना। ठीक, तो हार्ड मोड में जल्दी मतलब कि ये देखिए यहाँ पर अगर जब जाओगे तो ये हार्ड है, तो हार्ड में जल्दी ये वो खाली होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम लोग वहाँ से आयरन लाएंगे और कुछ खेतीबाड़ी करेंगे, खाना का एक फिक्स सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद से विलेजर्स को जो जहाँ है उनको वहीं जिंदा दफना देंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ जिनको दफनाएंगे नहीं साले तो बड़ा नोटेंगी करने लगे। जैसे कोई विलेजर है, बताते कैसे विलेजर्स को जिंदा दफनाया जाता है। कहाँ गया ए विलेजर, से इधर आओ, जाओ इधर आओ। ठीक है, एक जगह रुके तब नहीं है। देखो ये हो गया जिंदा दफनाना। ठीक है, अब इनको हम जिंदा तो दफना दिए हैं, लेकिन अब कुछ है भी नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है चलो, इसके इसका मतलब एक कोई ना कोई विलेजर है। ठीक है, वैसे भी आवाज़ करता रहा हूँ पूँ पुआ करते रहता है तो कोई बात नहीं, वो उसमें वो हमको याद आ ही जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके विलेजर्स को थोड़ा सेव करना पड़ेगा, नहीं तो विलेजर्स को फिर पता है विलेजर्स को वापस कन्वर्ट करने के लिए बड़ा झमेला होता है साला, कि जाओ आप ये पोशन ऑफ क्या बोलते हैं वीकनेस वाला पोशन लाओ, फिर वो लाओ, कितना गरीब है साले फकीर, तो पोशन ऑफ वीकनेस लाओ, उसके बाद से आप वो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल लाओ, फलाना दिखाना लाओ, और मेरे को एटलीस्ट दो विलेजर चाहिए ताकि वो ब्रीड कर सके। ठीक है, तो हाँ अभी उधर नहीं जा रहे क्योंकि अगर जब उधर जाएंगे तो उधर मॉन्स्टर्स भी स्पॉन हो लेंगे जो विलेजर्स को तोड़ा दौड़ा करके ज़ॉम्बी बना देंगे, तो अभी उधर नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी अगले एपिसोड में फिलहाल के लिए हम लोग यही करेंगे कि खाना का थोड़ा जुगाड़ करेंगे और विलेजर्स को थोड़ा सेव करके हम लोग आयरन आर्मर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद से जो चीज़ें हैं आगे आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय।